और आखिर में हम जैन धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थान श्री सम्मेद शिखर जी का विशेषण करेंगे। ये खबर हम अपने जैन धर्म के दर्शकों के लिए खास तौर पर आज दिखा रहे हैं। जैन धर्म के लोग चाहते हैं कि श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित ना किया जाए और उसे तीर्थ स्थल बनाया जाए। लेकिन आगे बढ़ने अब हम जैन धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थान श्री सम्मेद शिखर जी का विशेषण करेंगे। ये खबर हम अपने जैन धर्म के दर्शकों के लिए खास तौर पर दिखा रहे हैं। जैन धर्म के लोग चाहते हैं कि श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित ना किया जाए और उन्होंने इसके लिए बाकायदा मुझे एक चिट्ठी लिखी, जो चिट्ठी इस समय आपकी स्क्रीन पर है। ये चिट्ठी आप पढ़ सकते हैं। ये चिट्ठी जब हम तक पहुंची तो हमने तय किया कि हम इस चिट्ठी को पढ़ेंगे और अगर इसमें सब बातें सही पाई जाएंगी तो फिर हम इस पर अमल करेंगे। और इस चिट्ठी से ये पता चलता है कि हमारे दर्शक हम पर कितना भरोसा करते हैं और ये जो शो है ब्लैक एंड वाइट, ये असल में आप ही का शो है। आपके सरोकार हमारे सरोकार हैं। हमारे दर्शक अगर किसी बात पर, किसी मुद्दे पर परेशान रहते हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी आवाज़ देश तक पहुँचाएँ। सबसे पहले आपको विस्तार से इस पूरे मामले के बारे में बताते हैं, क्योंकि इस समय जैन धर्म के लोग इस तीर्थ स्थल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 100 किलोमीटर दूर गिरडी जिले में पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जिसे पारसनाथ हिल्स कहते हैं, और इस श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है यानी जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो समुद्र तल से 4,429 फीट की ऊंचाई पर है। और ये पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान भी है जिसे श्री सम्मेद शिखर जी कहा जाता है। ये वो जगह है जो आपको हम दिखा रहे हैं। इसी स्थान पर जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल मौजूद है और इसे बचाने के लिए ही जैन धर्म के लोग भारत सरकार से और झारखंड की सरकार से अभी गुहार लगा रहे हैं। जैन दर्शन के अनुसार उनके धर्म में अब तक कुल मिलाकर 24 तीर्थांकर यानी 24 भगवान हुए हैं। इनमें पहले तीर्थांकर हैं भगवान ऋषभदेव और 24वें और आखिरी तीर्थांकर हैं भगवान महावीर। अब जैन धर्म कहता है कि इन 24 में से 20 भगवानों ने झारखंड की उसी चोटी पर मोक्ष प्राप्त किया था जिसे श्री सम्मेद शिखर जी कहते हैं, और इसीलिए वो इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पवित्र स्थल है, ये पवित्र धर्म स्थल है और इस धर्म स्थल पर पर्यटन स्थल नहीं बन सकता, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा इस क्षेत्र में मौजूद पहाड़ियों की श्रृंखला को पारसनाथ हिल्स इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी इसी पहाड़ी पर कठोर तपस्या और ध्यान करके मोक्ष प्राप्त किया था, और इस समय इस पर्वत चोटी पर कई मंदिर भी मौजूद हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से मुसलमानों के लिए उनका सबसे पवित्र स्थल मक्का माना जाता है, ईसाई धर्म के लोगों के लिए वेटिकन सिटी का बड़ा महत्व है, हिंदू धर्म के लोगों के लिए जैसे अयोध्या का महत्व है, या सिख धर्म के लिए गोल्डन टेम्पल का बड़ा महत्व माना जाता है, ठीक उसी तरह से झारखंड का ये क्षेत्र जैन धर्म की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। और इसीलिए सोचिए अगर इस तीर्थ स्थल को एक पर्यटन स्थल में बदल दिया जाए तो क्या होगा। झारखंड की इस पर्वत चोटी पर कई मंदिर हैं और इन मंदिरों की वंदना करने के लिए 27 किलोमीटर लंबी एक पदयात्रा की जाती है, और जैसे हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, उसी तरह जैन धर्म में ये मान्यता है कि जो व्यक्ति ये यात्रा कर लेता है उसे कभी भी नर्क की प्राप्ति नहीं होती, वो स्वर्ग में जाता है। यहाँ आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि जो स्थान जैन धर्म में सबसे पवित्र है उसे सरकार आखिर एक पर्यटन स्थल क्यों बनाना चाहती है। तो इसका जवाब थोड़ा सा जटिल है लेकिन आप समझ लीजिए। असल में यहाँ जो तीर्थ स्थल है उस स्थान को और उसके आसपास के एक बहुत बड़े इलाके को सरकार ने पहले से ही एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया हुआ है जहां कोई भी बिल्डिंग या होटल नहीं बन सकता। लेकिन आज से लगभग 4 साल पहले झारखंड की सरकार ने इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक मास्टर प्लान बनाकर केंद्र सरकार को भेजा और कहा कि इस क्षेत्र में जो संरक्षित इलाका है वहां कोई होटल या रेस्टोरेंट्स या कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन जिस इलाके को इको सेंसिटिव जोन में रखा गया है और जो स्थान संरक्षित इलाके के 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं आते वहाँ पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स बनाए जा सकते हैं और वहाँ मछली और मुर्गी पालन भी हो सकता है।
और ये समझ लीजिए कि सरकार वहां पर एक पिकनिक स्पॉट बनाना चाहती थी। भारत सरकार ने 2 अगस्त 2019 को एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया और इसमें लिखा कि संरक्षित इलाके से 1 किलोमीटर दूर या फिर जहां तक इको सेंसिटिव जोन का विस्तार है वहां होटल्स और रेस्टोरेंट्स बनाए जा सकते हैं और झारखंड सरकार के हिसाब से पर्यटन के लिए उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है। और यही बात जैन धर्म के लोगों को अब चिंतित कर रही है। इनका मानना है कि जब संरक्षित इलाके के आसपास होटल्स बनेंगे, रेस्टोरेंट्स बनेंगे और यहाँ लोग धार्मिक आस्था से नहीं आएंगे बल्कि सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए आएंगे, लोग छुट्टियां मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ अपने परिवारों के साथ यहाँ पर आएंगे और इससे इस क्षेत्र की पवित्रता भंग होगी। इसके अलावा जैन धर्म अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है और इस धर्म के लोग शाकाहारी होते हैं, लेकिन पर्यटन स्थल बन जाने से यहाँ लोग छुट्टियां मनाने के लिए आएंगे, पिकनिक मनाने के लिए आएंगे। इस दौरान नॉन वेजिटेरियन खाना, मांस खाया जाएगा, शराब पी जाएगी और वो हर खाना खाया जाएगा जो जैन धर्म में वर्जित है। लोग चप्पल जूते पहनकर वहाँ पर आएंगे, चमड़े का सामान पहनकर आएंगे, चमड़े के जूते पहनकर आएंगे जो जैन धर्म में वर्जित है। और कुछ लोगों का कहना है कि पिछले साल वहाँ कुछ ऐसी घटनाएँ हो भी चुकी हैं। इसके अलावा इस धार्मिक स्थल पर मोटरसाइकिल से जाना प्रतिबंधित है, लेकिन पिछले कुछ समय में वहाँ ऐसी घटनाएँ हुई हैं जब लोग मोटरसाइकिल से इस इलाके में आए हैं। इसलिए हमारा मानना है कि भारत सरकार और झारखंड सरकार को इस मामले में आपस में बात करनी चाहिए। ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जो इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं, सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस तीर्थ स्थल के संरक्षण के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो करना चाहिए। अब बड़ी बात देखिए एक और, जिस पर आपका ध्यान नहीं गया होगा। भारत में जैन धर्म की कुल आबादी सिर्फ 0.4% है और जैन धर्म के जो लोग हैं वो हमारे देश में अल्पसंख्यक माने जाते हैं, क्योंकि आपने देखा लगभग 0.5% आबादी है हमारे देश में जैन धर्म की। लेकिन दुख की बात यह है कि इस अल्पसंख्यक वर्ग को हमारे देश की राजनीति में विशेष अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि ये वोट बैंक के लिहाज से बहुत कम है। अगर जैन धर्म वोट बैंक के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता तो ये एक स्पेशल माइनॉरिटी हो जाता। आप तो जानते हैं हमारे देश में कुछ अल्पसंख्यक ऐसे माने जाते हैं जो बड़े स्पेशल है, जो बहुत खास है। उनकी पसंद नापसंद का सरकारें ख्याल रखती हैं, नेता ख्याल रखते हैं, उनके ठेकेदार बन जाते हैं कि उनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो। लेकिन जो जैन धर्म के लोग हैं ये भी अल्पसंख्यक है, इनकी आबादी तो सिर्फ 0.5% ही है, लेकिन इनके साथ नाइंसाफी हो रही है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। इसीलिए शायद जैन धर्म के लोगों की इस मांग को नेताओं का वो समर्थन नहीं मिल रहा, नेताओं के मन में वो आकर्षण नहीं है जैसा विशेष अल्पसंख्यक वर्ग को मिलता है। ऐसे पवित्र तीर्थ स्थल की पावनता को बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार को चाहिए कि उसे बना के रखे, क्योंकि जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें जो वर्णित बातें हैं उसको लेकर के समाज में अनेक प्रकार की भ्रम और भय आशंका भी है। पारसनाथ सर्किट में हो या गिरिडीह में हो, हर जगह इसी के लिए आवाज बुलंद किया जा रहा है कि यहाँ से 24 में से 20 तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, तो इस जगह का महत्व इस धर्म और आस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा है। पहचान ही इस क्षेत्र का तीर्थ से ही है। हाँ, तीर्थ राज के नाम से ही मशहूर है ही। हाँ, तीर्थ है तो ही समझ सकते हैं। कहाँ से आते हैं यहाँ पे लोग? ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, कुछ वर्ल्ड से भी आते हैं। दर्शन करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन घूमने फिरने ऐस मौज करने का पाबंद, उसमें दिक्कत होता है। वंदना हम जहाँ ऊपर करते हैं तो नंगे पैर करते हैं, और यह जो तीर्थ स्थल है जहाँ सब कुछ, अगर पर्यटन स्थल के लिए झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल के लिए खोल दिया तो इसमें नॉन वेज वगैरह, दारू, मांस, मदिरा, नशा मुक्ति ये सब हो जाएगा। यही चाहते हैं कि बस वहाँ ऊपर चप्पल जूते नहीं लेके जाएंगे। मंदिर में जूते चप्पल नहीं ले जाना होता तो फिर इस तीर्थ स्थल पवित्र स्थल को क्यों आप ऐसे करो? बस हम यही चाहते हैं कि भाई आप उसे शुद्ध रखो। अभी नोटिफिकेशन में यह जारी हुआ है कि वहाँ कुछ जैसे मांस मदिरा पान नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे यदि ये पर्यटक स्थल घोषित किया गया उसके बाद क्या होगा वो किसको पता, वो तो बढ़ता ही जाएगा।
तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने अपना कर्तव्य निभाया और जैन धर्म के जो लोग हैं उन्हें सरकार से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मीडिया का कर्तव्य होता है कि वो इस तरीके जो बातें हैं उन्हें सरकार तक पहुंचाए, देश तक पहुंचाए, और आज हमने ये कर्तव्य निभाया है अपने दर्शकों के प्रति खा रहे हैं। जैन धर्म के लोग चाहते हैं कि श्री सम्वेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित ना किया जाए और उसे तीर्थ स्थल बनाया जाए।